सीलिंग फैन है और यह जाम हो गया है, ये चल नहीं रहा। ठीक है, तो चलिए इसकी रिपेयरिंग हम लोग कैसे करते देखते हैं। देखिए, पहले इसके सारे नट बोल्ट को खोल लेंगे। सारे नट बोल्ट को अच्छी तरह से खोल लें। खोलने के बाद ये सारा कनेक्शन भी खोलना पड़ेगा आपको, तो जो जैसे जैसे आपने कनेक्शन खोला है याद रखें, और पूरे बॉडी को खोलकर इसके मोटर को अलग कर लेंगे। ये बहुत जाम हो गया है, तो शायद इसका बैरिंग से फॉल्ट हो, बैरिंग इसका जाम हो गया हो। ये देखिए बैरिंग है, देखिए कितना जाम है। और इसके नीचे वाला बैरिंग को भी देख लेते हैं क्या हाल है इसका। तो इस तरह से फंसा कर आप भी खोल सकते हैं। खोलने के बाद देखिए सारा अलग हो जाएगा। ये देखिए, ये भी बैरिंग बहुत जाम है, देख रहे हैं ना, पूरा जाम हो गया है। तो इसको बाहर निकाल लेंगे इस तरह से। ये देखिए, ये बैरिंग बहुत ही जाम है। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, केरोसिन ऑयल में डालकर इसे साफ़ कर लेंगे। इसे थोड़ा सा फूलने दे दें ताकि जो डस्ट है वो घुल कर अपने आप निकल जाए। थोड़ा देर छोड़ने के बाद इसे ब्रश से साफ़ कर लेंगे। इस तरह से ब्रश से साफ़ कर लीजिए और इसे फ्री कर लें। और थोड़े देर के लिए इसको हम लोग तेल में डालकर छोड़ देंगे। हम डालने के बाद देखिए ये बैरिंग पूरा फ्री हो गया है। देखिए पूरा अच्छी तरह से चल रहा है। अब इसमें हम बैरिंग को लगा कर इसमें पहले ग्रीस डाल देते हैं। ग्रीस को अच्छी तरह से डालने के बाद हम इसे उसी पोजीशन पे लगा देंगे जहाँ से हम लोग निकाले थे। तो पहले ग्रीस को अच्छी तरह से लगा ले दोनों तरफ से, दोनों साइड से लगाने के बाद इसका जो ऊपर का टॉप है इसमें इसको फिट कर देंगे। पहले किसी हैमर के थ्रू इसे पीट कर अंदर कर ले, और उसके बाद फिर इसका जो आर्मेचर है उसको ये पूरा अच्छी तरह से बैठा लें। ठीक है ना, बैठाने के बाद ये जो आर्मेचर है, आर्मेचर को इसके अंदर से डालेंगे। आर्मेचर को डालने के बाद ये नीचे का जो बैरिंग है वो थोड़ा सा लूज हो गया। ठीक है ना, बैरिंग का शाफ्ट उसमें मतलब अच्छा से नहीं बैठ रहा, तो उसमें शाफ्ट में हम लोग थोड़ा सा ग्रुपिंग कर देंगे। ठीक ना, इस तरह से रख के आर्मेचर को बचाते हुए इसके शाफ्ट के नीचे वाले बैरिंग के लिए थोड़ा सा ग्रुपिंग कर देंगे ताकि बैरिंग में वो अच्छा से फंस जाए। चारों तरफ से ग्रुपिंग कर दें और उसके बाद फिर नीचे वाली बैरिंग में इसे फिट करेंगे। ये हो जाने के बाद ये नीचे वाला बैरिंग में थोड़ा सा ग्रीस लगा देंगे। ग्रीस लगाने के बाद ऊपर से ये ढक्कन को फिर से सेट करेंगे। पूरा अच्छी तरह से ग्रीस को भर दें ताकि वो पूरा लुब्रिकेट हो जाए। अब इस तरह से इसको फिर से फिट कर देंगे। और जो तीनों स्क्रू है उसको अच्छी तरह से मिला के टाइट कर दें। ये देखिए
इस तरह से टाइट कर दें। टाइट करने के बाद मेन यहाँ पे है कनेक्शन, ठीक है। तो कनेक्शन किस तरह से होता है तो अभी मैं पहले चेक कर लेता हूँ इसका आर्मेचर सही है कि नहीं, ठीक है। तो चेक करने का तरीका देखिए क्या है, मीटर को कंटिन्यूटी में लगाकर ये पहले पीले पे रखेंगे और ब्लैक पे रखेंगे। अब देखिए यहाँ पे कितना बता, 383 यानी सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस है, ठीक है ना। अब ब्लैक येलो और रेड से चेक करेंगे तो देखिए 185 यानी कि ये ठीक बता रहा, और 200 यानी कि रेड वाला जो हो गया वो कॉमन हो गया, और ये दोनों से देखिए बहुत ज़्यादा बता रहा और रेड से चेक करने पे येलो कम बता रहा, यानी कि रेड आपका कॉमन हो गया। तो रेड को हम लोग कॉमन मानकर इसमें एक मेन फेस जो होता है, दो दो तार होता है ना लाइन का, उसमें रेड में एक जोड़ेंगे, और जो येलो और ब्लैक है उसमें हम कंडेंसर का दो जो सिरा है उसको जोड़ देंगे, ठीक है ना। वो बड़ा वाला जो कैपेसिटर लगा हुआ है उसका दोनों सिरा को हम ब्लैक और येलो में जोड़ेंगे, और एक जो लाइन का जो तार बचा हुआ है उसे कैपेसिटर के एक पॉइंट पे जोड़ देंगे, यानी कि येलो और ब्लैक में किसी एक में जोड़ दें, और उसे चलाकर टेस्ट करेंगे कि वो सीधा चल रहा या नहीं चल रहा। अगर वो सीधा ना चले तो फिर उसको उस कैपेसिटर के में जो एक लाइन दिए हैं उसको खोलकर दूसरे पॉइंट पे लगाएंगे तो वो सीधा चलने लगेगा, ठीक है ना। अब चलाते हैं इसे, अब देखिए देखिए ये उल्टा चल रहा है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, अब देखिए कंडेंसर में जो हम लोग लाइन को दिए थे वो पॉइंट को हम लोग बदल के दूसरे सिरे में उसे लगाकर चलाकर देखेंगे, ठीक है ना। अब देखिए ये ठीक चल रहा है, ठीक है, यानी कि हमारा कनेक्शन ठीक है। और अभी हम इसे फिट करके दिखाते हैं कि चलता कैसे है, ठीक है। देखिए फैन अच्छी तरह चल रहा है ऊपर लगाने के बाद, ठीक है दोस्तों। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें, धन्यवाद, शुक्रिया यह वीडियो देखने के लिए।